नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो नवोदय विद्यालय में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकलती है, तो आपके जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकली हुई है, जिसके फॉर्म 15 मई से 22 मई तक फिल किए जाएंगे। कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड है वो जरूर फॉर्म भरें, ठीक है। और क्योंकि ये हार्ड स्टेशन पड़ता है तो सैलरी यहाँ पे नॉर्मल स्टेशन से ज़्यादा होती है, जैसे TGT की 40,000 समथिंग होती है, PGT की भी 42,000 समथिंग सैलरी यहाँ पे रहती है, ठीक है। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू की डेट है वो 28 से 30 मई तक रहने वाली है। इसके अलावा आगे पीछे भी घट बढ़ सकती है, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपकी 28 से 30 मई रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद पैटर्न सारा वही रहता है, TGT के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस BEd चाहिए, प्लस CTET पेपर 2 चाहिए। इसके बाद PGT के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस BEd चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का काफ़ी इफेक्ट रहता है, तो आप लोग पूरा नोटिफिकेशन अच्छा से पढ़ लें। और आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जिन लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो लोग ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पे आपको PDF मिलते रहेंगे। कभी कभी मैं कोई वीडियो नहीं बना पाती तो उसके PDF आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और पिछले साल जैसे पैटर्न रहा था आपका, जहाँ पूरा शायद वही रहने वाला है, क्योंकि जैसे आपके जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकली है नवोदय की, तो इस बार NTA उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है, तो हो सकता है जो आपकी टीचिंग की वैकेंसी आएंगी तो वो भी NTA कंडक्ट करवाए। और कुछ चेंजेस भले ही हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस आपका जो सब्जेक्ट वाला है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे आपका एकलव मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का एग्ज़ाम हुआ था, सेम पैटर्न वैसे ही रहने वाले हैं सारे एग्ज़ाम के। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं नॉर्थ ईस्ट में जॉब करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो ज़रूर फॉर्म भर दें, ठीक है। और PDF आपको टेलीग्राम पे ज़रूर मिल जाएगी। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। इसके अलावा आपकी कोई कमेंट है या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और कौन कौन टॉपिक पे आप लोग डिस्कशन चाहते हैं या कौन टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आऊँ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।